ओके, तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के हमें क्या मिलेगा मंथली पेरोल शीट के सोल्यूशन के अंदर, कि यूजुअली अब तक जो आप कैलकुलेशंस कर रहे थे वो थी पैरेलल। पैरेलल कैलकुलेशन से मतलब ये होता है कि या तो आप सॉल्व इस तरह से कर रहे थे या फिर आप सॉल्व इस तरह से कर रहे थे। यहाँ पर सोल्यूशन जो है आपका क्रॉस में है, मतलब ये वाला सेल जिसमें कोई वैल्यू लिखी हुई है तकरीबन 12,000, ये मल्टीप्लाई करेगा इसको। अब जब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये C8 सेल है, C इसका कॉलम है, 8 इसका रो नंबर है, और ये D7 सेल है, मतलब दोनों पैरेलल नहीं है, क्रॉस की सूरत में है, ठीक है ना। इस सूरत में ये होगा कि आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सॉल्यूशन करने का तरीका ये है कि आप सम करेंगे, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो पहला सेल सेलेक्ट हो जाएगा जिसमें नज़र आ रहा होगा C8 आपको, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस सेल से जो कि दूसरा सेल है, जैसे कि D7 उस पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, सही है। तो आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, होगा ये कि ये 12,000 का 25% कैलकुलेट करके हमें बता देगा, सही है, बिल्कुल सही हो गया। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे 12,000 का 19%, 12,000 का 12%, 12,000 का 25%, सिमिलरली 12,000 का 12, 20, 18, ये सारे कैलकुलेट करने हैं हमें। अब क्या करें, अगरचे यही प्रोसेस अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार, फिर 7 बार इसके लिए, 7 बार इसके लिए, 7 बार इसके लिए, मतलब जितने एम्प्लॉयज होंगे हर एम्प्लॉय के लिए आपको ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना होगा। अब थिंक अबाउट कि अगर एम्प्लॉयज 50 हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, 100 है, 500 है, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसका कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना कि एक चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको रोक दें। सोल्यूशन ये है कि अगर हम इसको ड्रैग कर देते हैं, तो ड्रैग करने में आज जो हमें एक नई बात पता चलने वाली है वो ये है कि इसका ड्रैग करने में आंसर सही नहीं आएगा। क्यों सही नहीं आया, ना ऐसे सही आएगा ना ऐसे सही आएगा। वजूहत ये है कि जब हम ड्रैग करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि जैसे अगर अभी मैं रो नंबर 8 पर हूं और जब मैं नीचे आऊंगा तो रो नंबर कौन सी पर आ गया, 9, 10, 11। इसमें हो ये रहा है कि कॉलम आपका सेम रहता है और रो नंबर चेंज होते जाते हैं, C8, C9, C10, C11, सही है। सिमिलरली अगर आप ऐसे आगे जाते हैं तो क्या होता है, C8, D8, E8, F8, G8, इसका मतलब ये होता है कि आपकी रो जो है वो सेम रहती है और कॉलम्स जो हैं वो चेंज होते थे। जब हम फॉर्मूले को लगाकर, ये फॉर्मूला है C8D7, जब इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो ये C8 कन्वर्ट हो जाएगा C9 में और C9 कन्वर्ट हो जाएगा D8 में, और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि 10,900 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3,000 से, और जब ये ऐसा होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, जबकि एक्सेल सही काम कर रहा है लेकिन जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो नहीं दे रहा। सिमिलरली जब आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है C8 × D7। अब ये होता ये है कि अगर आप जब इसको ड्रैग करते हैं आगे तो होगा ये कि C8 कन्वर्ट हो जाएगा D8 में और D7 कन्वर्ट हो जाएगा E7 में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये देखिए, तो आंसर ये आ जाएगा गलत, जबकि आपका आंसर इससे मल्टीप्लाई होके इससे आना था। इस सूरत में एक्सेल सही काम कर रहा है पर हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उससे जो रिजल्ट है हम जो चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा, सही। अब इसका सलूशन क्या है, सलूशन ये कि एक्सेल को समझाना होगा वेदर किस सेल को वो चेंज करे और किस सेल को वो चेंज ना करे। लेट सपोज डबल क्लिक करते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद, मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं इसको ड्रैग आगे की तरफ करूं तो ये वाला कॉलम D7 ये भले चेंज होता रहे, D7, E7, F7, G7, लेकिन ये जो C कॉलम है ये चेंज ना हो। तो यहां पर चेंज ना हो तो एक्सेल को कैसे बताया जाए कि ये सी कॉलम चेंज नहीं करना, तो सी कॉलम से पहले डॉलर का साइन लगाएंगे, ये एक्सेल की लैंग्वेज में हमने इसको समझा दिया। अब पुट किया है हमने सी से पहले, तो अब जब फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो सी चेंज नहीं होगा, बाकी डी,
ई एफ में चेंज होता रहेगा, इंटर। सेकेंडरी एक्सेल को फिर यहां और समझाना होगा कि जब मैं इसको ऊपर से नीचे ड्रैग करूं तो सी एट कन्वर्ट होगा सी नाइन में, यानी कि 8, 9 सही है, 10, 11, 12 सही है, लेकिन ये D7 जो है ये वाला सेल, ये चेंज ना हो, मतलब रो नंबर चेंज ना हो, तो 7 से पहले हमें डॉलर लगाना होगा। अब होगा ये कि जब हम ऊपर से नीचे ड्रैग करेंगे तो ये वाला रो चेंज होता रहेगा, 8, 9, 10, 11, 12, और ये चेंज नहीं। रिजल्ट में हर सेल इससे मल्टीप्लाई होता रहेगा। और जब हम आगे जाएंगे इस साइड पर, राइट साइड पे, तो ये वाला कॉलम चेंज नहीं होगा से सी, जबकि डी ई एफ ये होता रहेगा। और रिजल्ट क्या होगा कि ये इससे और ये इससे, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होता रहेगा और हमारा आंसर सही आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सही है, एंटर कर देते हैं। अब आप चेक कर ले, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, अब फॉर्मूले को यहाँ से रखा, ये ब्लैक वाला प्लस आया, ड्रैग किया मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और ये सारे कैलकुलेट हो गए। अभी मैंने क्लिक हटाया नहीं है, सिलेक्शन बना के ही रखना है और दोबारा से सिलेक्शन छोड़ के दोबारा सिलेक्शन पकड़ रहा हूँ और ये नीचे ले आया। ये देखिए सारा का सारा सॉल्व हो गया। अब चेक कर लें फॉर्मूले को, देखिए यहाँ भी सी चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी सी चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी सी चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी सी चेंज नहीं हुआ। यहाँ चेक कर लें जरा, यहाँ पर भी ये रो नंबर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी सही परफेक्ट आ रहा है मैच इनका। तो ये देखें सारा कैलकुलेट हो गया। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ पे एक और एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं और उसकी सैलरी जैसे ही पुट करेंगे और आप देखेंगे कि ये उसका सारा कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? अब फाइनली हमें करना क्या है, फाइनली ये करना है कि ये सारे अलाउंस प्लस करके टोटल अलाउंस में लेने हैं। ये पैरेलल कैलकुलेशन है, इसमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 सब, फिर दोबारा से क्लिक किया, सिलेक्शन खत्म किया और क्या कर दिया, डबल क्लिक करके ड्रैग, टोटल सैलरी सम, बेसिक सैलरी प्लस ये सारे अलाउंस का सम हमने किसमें ले लिया, टोटल अलाउंस, एंटर, क्लिक, ड्रैग, ये बन गई इसकी टोटल सैलरी। अब ये है डिटेक्शंस, 1, 2, 3 सम। अब ये वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच में वैल्यू लिखा हुआ है, इसको रिमूव करेंगे पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करके, तो ये देखिए 6000 आ गया, ड्रैग। अब ये पैसे हमें कट करने हैं टोटल सैलरी में से, तो ये थोड़ा कॉलम बंद बड़ा कर लेता हूँ मैं, सम और जो टोटल सैलरी है क्लिक किया, माइनस जो टोटल डिडक्शंस हैं हर किसी की सैलरी में से कटौती होनी है, एंटर, ये बन गई नेट सैलरी जो अपनी वो कैश करवा सकता है, ड्रैग। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब कितनी ही बड़ी शीट क्यों ना हो, हम यहाँ पे जो भी नाम एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कहीं पर आपको ये हैशेस नजर आते हैं, इट मींस कि इस कॉलम की विड्थ थोड़ी कम है, उसको रीएडजस्ट कर लें ताकि वो आपको डेटा प्रॉपरली शो हो सके। सो ये हो गया आपका मंथली पेरोल शीट का एक सस्ता और छोटा सा क्विक सॉल्यूशन, जिसको आप एक दफा अप्लाई करेंगे और ये खुद ही रिजल्ट्स निकालता रहेगा।